हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ किंजा जीशान। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं वेलकम करती हूँ। तो अभी मैं क्या बनाने लगी हूँ, आज मैं बनाने लगी हूँ मकई की रोटियाँ। तो मैं बहुत डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये तरीका शेयर करूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा ले रही हूँ मकई का आटा और इसको मैं ऐसे छान रही हूँ। इसको छानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसके बीच में कीड़े भी हो सकते हैं और इसके बीच में ये गंदम टाइप का मोटा मोटा होता है, जिससे फिर अगर आप छानेंगे नहीं तो आपकी रोटी चिपकेगी नहीं, आटा सही गुंदा नहीं जाएगा। तो पहले इसको हम छान लेते हैं, फिर आपको मैं दिखाती हूँ आगे का प्रोसेस। अब मैं इसके बीच में थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग इसमें नमक डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते। और ये मैंने लिया है नीम गर्म पानी, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, नीम गर्म है। और आप इससे हल्के हाथों के साथ आप इसको गूंथते जाएंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना वरना ये बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी और ना बहुत हार्ड रखना है ना बहुत सॉफ्ट रखना है। मैं इसको हल्के हाथों के साथ ऐसे गूंथती जा रही हूँ। नॉर्मल आटे कितना ही आपने इसको गूंदना है, लेकिन इसको थोड़ा नॉर्मल आटे से डिफरेंट इसकी टेक्निक है जी। अभी देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से गूंद लिया है। अब मैं क्या करूंगी, इसको ना हाथों से ऐसे ऐसे जैसे मसलते नहीं है इस तरह करेंगे, इससे होगा कि आपकी रोटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। बहुत अच्छे तरीके से गूंद चुका है और अब मैं क्या करूंगी कि मैं इसको ऐसे करके इसके पेड़े बना लेंगे हम ऐसे लंबा सा करके। ना बहुत छोटी रोटी बनानी है हमने, ना बहुत बड़ी, नॉर्मल साइज का आप पेड़ा बना लेंगे। अब इससे मेरी तीन रोटियां आराम से बन जाएंगी। मैंने बेसिकली बनाना दो या तीन रोटियों के लिए ही था। तो अब मैं इसको पेड़े बना दिए, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी ताकि थोड़ा सा ये सेट हो जाए। इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना, फिर आपके पास इसके बाद हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब मैंने एक पेड़ा ले लिया है और ये मैंने लिया शॉपर, मैं बनाऊंगी इसको शॉपर के ऊपर। यही मेरी टेक्निक है कि मैं इसको बनाती हूँ शॉपर के ऊपर। तो यहाँ पे साथ मैंने पानी रखा है ग्लास में, साथ में इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाते जाऊंगी और हाथ की मदद से ही हम इसको ऐसे बेलते जाएंगे। इसमें मैं कोई भी बेलन इस्तेमाल नहीं करूंगी, आप इसको हल्के हाथों के साथ ऐसे ऐसे प्रेस करते जाएंगे। बेलना आपने इस्तेमाल नहीं करना, अगर आप बेलना इस्तेमाल करेंगे ना तो ये आपका टूट जाएगा। और पीछे जब दुल्ला की आवाज आ रही है, काइंडली इग्नोर द वॉइस। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे न्यू है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप किस चीज का इंतजार करें, जाए जल्दी से बेल आइकन को भी दबा दें और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फ्री में देखने को मिल सके। ये इसको मैंने हल्के हाथों के साथ अच्छे से बेल लिया है, मैं इसको इतना ही बेलूंगी, मैं इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करती वरना जब हम तवे पे डालेंगे तो टूट जाएगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि तवे पे डालने की क्या टेक्निक है। तो अब मैं इसको तवे पे डालने लगी हूँ। आपने तवे पे कैसे डाला, शॉपर के समेत आप इसको उठाएंगे और आप, मैं उल्टे हाथ डालने लगी थी वीडियो के चक्कर में। और शॉपर को ऐसे किनारों से पकड़ेंगे ताकि वो तवे के साथ चिपके ना और किस मिलाना है थोड़ा सा पीछे जो ऑयल इसमें पड़ा हुआ तुम्हारे ऊपर गिरे गई। ये देखिए रोटी सेफली हमारी तवे पे पहुंच गई है। और ऐसे कट्स लगाते जाएंगे जो कि मकई की रोटी का एक फेमस लोगो होता है। इसके ऊपर से हम ऐसे ऐसे कट्स लगा देंगे स्क्वायर। अब हम इसके ऊपर उल्टी साइड पे ही ऑयल लगाएंगे और ऐसे, ताकि हमें इसकी साइड चेंज करते हुए कोई मुश्किल ना हो। अब मैं इसकी साइड चेंज करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप ऐसे उठा के देखेंगे थोड़ा सा रोटी को कि नीचे से चिपकी भी तो नहीं है। अगर आपको लगे चिपकी हुई है तो आप इसकी साइड चेंज मत कीजिएगा। अब ऐसे हल्के हाथों से इसकी हम साइड चेंज करेंगे। देखिए अब हम इसको दूसरी साइड पे भी ऑयल लगा देंगे। ऑयल ही आप ऑप्शनल है, आप जो मर्जी यूज़ करें। अब इसको हम हल्की आंच पे ही पकाएंगे। अगर आप तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये अंदर से कच्ची रह सकती है। सो मैंने ये तीनों मकई की रोटी खा ली है और ये जो टुका हुआ है इसको इग्नोर कर देना, ये जो है ये अनायर ने जाते हुए इसको टुक लिया है। और इसके बाद मैंने अब गर्मा गर्म के ऊपर मक्खन डाल दिया है और ये गर्मा गर्म मकई की रोटी रेडी है सर्व करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वीडियो की नोटिफिकेशन फ्री में देखने को मिल सके। आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।